नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। दिनांक 9 फरवरी को बड़हरिया ब्लॉक मैदान में शहीद भगत सिंह राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट को लेकर बैठक हुई। टूर्नामेंट कमेटी ने निर्णय लिया कि टूर्नामेंट का आयोजन 7 मार्च 2021 से बड़हरिया ब्लॉक मैदान में शुरू होगा। ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट है जिसमें बिहार से बाहर की भी टीमें भाग ले रही है। वहीं मैच आयोजकों ने बताया कि विनर प्राइज 30,000 रखा गया है, वहीं रनर टीम को 12,000 रुपये दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट का अध्यक्ष हैं औरंगजेब सौद, उपाध्यक्ष हैं डब्लू खान, सचिव शाहजाद खान, कोषाध्यक्ष अस्पाक सर, सहयोगी हैं इरफान खान, जुल्फिकार सर इत्यादि। देखिए ये सिवान एक्सप्रेस की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। सिवान जिला हो या गोपालगंज, लगातार खेल को लेकर मेरी टीम काम कर रही है। इसी बीच बहरिया ब्लॉक मैदान में 7 मार्च से वॉलीबॉल का बेहतरीन टूर्नामेंट आगाज़ होना है जिसका अध्यक्षता करते हैं औरंगजेब सर। काफ़ी तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे कहाँ कहाँ की टीमें इस बार भाग लेंगी और किस स्तर के लोग मैच कराएंगे इस बार। औरंगजेब सर, आप ये पहली बार मैच करा रहे हैं या इसके पहले कोई मैच कराए हैं आप? सबसे पहले तो सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जहां तक बात मैच की है तो वॉलीबॉल का मैच इस बहरिया प्लेग्राउंड में पहली बार आयोजन करने का हम सारे लोग जो यहां पे पूरी कमेटी के सारे सदस्य यहां पे हैं, हम लोग ये प्लान किए कि बहरिया ब्लॉक मैदान में फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है और भी कई तरह के मैचेस, कुश्ती होता है, हर तरह की मैचेस यहाँ पे होता है, तो क्यों ना हम लोग एक और मैच का आयोजन किया जाए। और इस मैच के इस और जो नेक्स्ट मैच है यानी कि वॉलीबॉल, इस वॉलीबॉल मैच के रूप में ये जो है हम लोग कराने जा रहे हैं। कहाँ कहाँ की टीमें आएंगी इसमें? जो है बाहर की टीमें आ रही हैं इसमें, आजमगढ़ की टीम है, मेरठ की टीम है, लखनऊ की टीम है, बनारस की टीम है, ठीक है ना, और भी बहुत जगह की टीम है जो यहाँ पे आ रही है। और ये मैच जो है राज्य स्तरीय मैच हो रहा है, इसमें काफ़ी अच्छे लेवल्स की टीम इसमें भाग ले रही है। इतना ही नहीं, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय कुछ प्लेयर्स हैं, लगभग 4 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। क्या नाम रहेगा टूर्नामेंट का? इस टूर्नामेंट का नाम है शहीद भगत सिंह राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। देखिए यहाँ पे हम सारे लोगों ने ये तय किया है कि जो विजयी टीम होगी यानी कि जो विनर टीम होगी उसको हम लोग 30,000 रुपया कैश देंगे और जो रनर होगी उसको हम लोग जो है 12,000 रुपया कैश करेंगे उसको देंगे। और ये एक बार मैं पुनः बता दूं कि जो मैच जो है वो 7 मार्च से हो रहा है, 7, 8, 9, यानी कि 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, ठीक है ना, यह 3 दिन मैच चलेगा, ये 3 दिवसीय मैच है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरंजन का एक हो रहा है, साधन हो रहा है ना, इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि वॉलीबॉल का भी मैच हो, क्रिकेट का मैच होता है, फुटबॉल का मैच होता है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वॉलीबॉल का भी मैच हो ना। इसमें बढ़िया बढ़िया टीमें आ रही हैं खेलने के लिए। अब पहला बार है हम लोग का भी, हम लोग भी थोड़ा सा अभी एक्सपीरियंस होल्डर तो है नहीं, लेकिन इसके बाद से नेक्स्ट टाइम में भी और इससे भी बढ़िया इंतजाम हम लोग करने की कोशिश करें। चलिए, परिचय आपका? मेरा परिचय डब्लू खान, उपाध्यक्ष वॉलीबॉल टूर्नामेंट। चलिए, क्या कुछ कहेंगे इस मैच के बारे में? देखिए, युवाओं के लिए हम लोगों ने, हम लोग, हमारी पूरी टीम जान हथेली पर रख कर चलती है और युवाओं के लिए ही नहीं, किसान, मजदूर, हर लोगों के लिए हम लोग अपना एक अच्छा कदम लेकर के चलते हैं और उनको अच्छा से अच्छा सुविधा देने का काम करते हैं। इसी बीच हमारे युवाओं का कहना था कि इस बड़हरिया ब्लॉक ग्राउंड में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट नहीं होता है, जिसका हम लोग काफ़ी दिलचस्प रखते हैं, एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराया जाए। तो हम लोगों ने एक बैठक किया इसी ब्लॉक मैदान में और ये निर्णय लिया कि एक युवाओं के की इच्छा पूरी की जाए, एक टूर्नामेंट, बेहतर टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए। परिचय? शाहजाद खान, जन अधिकार पार्टी, जिला उपाध्यक्ष, सिवान। सर, क्या कुछ कहेंगे इस मैच के बारे में? हर मैच में आप काफ़ी ज़्यादा वक्त देते हैं। देखिए, हम लोग जो बड़हरिया के सेंटर में रहते हैं और यहाँ पर हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो समाज है यहाँ का उसको एकजुट रखने के लिए, तो हम लोग सोचते हैं कि खेल के माध्यम से अपने समाज को हमेशा एक नया मैसेज भी दें और
उनको फिजिकल और जो मानसिक तनाव से अभी तक वो कोरोना की वजह से जूझ रहे हैं, इस वजह से हमारी यहाँ प्रयास होती है। अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने क्रिकेट खिलाया और फुटबॉल भी शुरू होने वाला है कि इसी 21 फरवरी से, और 7 मार्च जो हम लोगों ने आज अभी इस मीटिंग में फैसला लिया है कि 7 मार्च से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो एक लोगों का डिमांड था, खासतौर से बुजुर्गों का जो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वॉलीबॉल को लेके, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर ये फैसला लिया है कि भाई शहीद भगत सिंह वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराया जाए, तो वही करा रहे हैं भाई।